शराब ठेकेदारों के मामले पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार कोई निर्णय लेती है तो उन्हें सरकार के निर्णय का पालन करना चाहिए। ठीक नहीं था हाई कोर्ट जाना उनका, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पालन करना चाहिए, कोई दिक्कत है तो सरकार के पास आके बताना चाहिए। हमारे दरबार खुले हुए हैं, लेकिन तानाशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हट धर्मता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका कहना ये है कि शराब हमें बुलाया गया था मीटिंग के लिए, लेकिन इससे पहले पहले ही आदेश पारित कर दिया गया, तो हमसे बात नहीं की गई। तो हमें उनसे बात करना कोई जरूरी नहीं था, उसके बावजूद भी बात की गई। वो प्रक्रिया का एक अंग है, टेंडर डले थे, उनने ठेके लिए हैं। ये सरकार का काम है कब चालू करना है कब बंद करना है, ये ठेकेदार थोड़ी तय करेंगे। हम दूसरे विकल्पों को तलाशेंगे। नहीं नहीं, हमेशा के लिए मैंने कहा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा। देना डायरी हटिए बेटा, हट। हाँ ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। नहीं, अब 92 साल के बाद को आप मानोगे और कोरोना को दोष दोगे या 82 साल के? नहीं देखो, ऐसा नहीं करो, अपना प्रदेश है, इसमें भय का वातावरण हमको किसी को नहीं बनाना है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि हमारी लाइफ स्टाइल का अंग बनाओ उसका, आखिर मलेरिया भी तो है ना, है कि नहीं, ये निमोनिया है, टाइफाइड है ना, कोरोना भी है, हमको इसकी चिंता करना है, इसका इलाज करना है, हमारे अपने हैं, मौत कोई भी हो दुखद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो बीमारी ही है, मरने नहीं दे रहे हैं। अब आप उसे 92 साल के व्यक्ति को कहो 82, यही कह रहे हो ना आज आप, 92 साल उम्र थी, 82 साल उम्र थी, नहीं पूरे ही थोड़े थोड़े नहीं थे, पूरे ही क्रिटिकल थे भाई। डायबिटिक हाइपरटेंशन और ब्लड कैंसर भी था एक मरीज। ठीक है सर। अब जैसे वो सतना की मौत है, अब जोड़ तो इसी में रहे हो ना आप, अब सतना में वो गुजरात के पेशेंट थे, गुजरात में उनका गुल्ला टूट गया था, पैर टूट गया था, स्ट्रेचर पे थे, खड़े नहीं हो पाते थे, उनने कहा गुजरात सरकार से कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, कि मेरे प्राण मेरे घर निकले, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। गुजरात सरकार ने परमिट दे दिया, वो यहाँ आए और यहाँ आके उन पर जांच करी तो करोड़ों निकला। अब वो जुड़े तो हमारे खाते में ना, बहुत मैंने कहा मैं बहुत दुखद है मौत, लेकिन आप उसको थोड़ा सा, आप सबके माध्यम से प्रदेश में संदेश जाता है, दुखद या भयावह संदेश नहीं जाना चाहिए, अच्छा अच्छा संदेश जाना चाहिए कि हम लगातार जीत रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। देखिए पेशेंट तो लगातार मिलेंगे, लेकिन डेथ रेट देखिए हम लगभग नीचे लाते जा रहे हैं। आज इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर हमने पूरी स्थिति नियंत्रण में कर ली है, उज्जैन हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल है। आज से 25 डिस्चार्ज हुए उज्जैन से? नहीं, 25 उज्जैन से डिस्चार्ज हुए, उसके बावजूद भी हम आज उज्जैन को क्रिटिकल मानते हैं। हम वहाँ पर अपना ट्रामा सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं, हमने पूरी प्रशासन की चैन में भी बदलाव किया है, और हमारी मान्यता ऐसी है कि हम, जैसे मैंने आपको ध्यान हो कि जब मैंने कहा था कि इंदौर में एक जंप आने के बाद हम सुधार करके देंगे, आपको ध्यान है 10 दिन पहले का 8 दिन पहले का, आज आपको सुधार दिखता होगा। हमने भोपाल में कहा था कि हम सुधार करेंगे, ऐसे मैं उज्जैन का भी कहता हूँ कि आप 2 या 3 दिन दीजिए, हम उज्जैन के अंदर भी सुधार करेंगे। पॉजिटिव वेव जाने दो, हमारे जो लोग ठीक होके आए हैं उनसे फिर एक बार आप सब चैनल वालों से प्रार्थना कि वो लोगों को उत्साह होके बताएं कि ये प्राण घातक रोग अकेला नहीं है, इसलिए ये ठीक हो सकता है, रोगी इससे निकल सकते हैं, हम स्वस्थ हुए हैं वो बताएं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है, बोलो बोलो, नहीं बोल, नहीं मैं बोलूंगा जब जवाब आरोप लगाया है कि सिर्फ ये जो 5 मंत्री बने हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा को छोड़ के बगैर कोई भी मंत्री काम नहीं कर रहा। अब एक्चुअल में उनके चश्मे का नंबर बदल गया हो तो मुझे पता नहीं है, और उनको कैसे मालूम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी तो अच्छा है कि मालूम है काम कर रहे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सभी मंत्री लगातार, आज दिन में मेरे साथ ही कई बैठकों में थे, मेरे ही साथ थे कई बैठकों में, आज की बात कर रहा हूँ, पता नहीं उनका कौन सा नजरिया है देखने का, मुझे नहीं मालूम, और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना है तो भी मुझे कुछ नहीं कहना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें।